अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बार बार पीछे मुड़के क्यों देख रही हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? तुमने तो कह दिया डोंट वरी। तुम्हें पता है ना, पापा को पता चल चुका होगा कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो मोहब्बत करते क्यों हैं? अमित, मजाक बंद करो, बी सीरियस। ओके पापा, ओके। मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलूंगा ताकि कोई हमारा पीछा भी करे ना तो इस मेन रोड पे भटकता रह जाए। ठीक है। अमित, रुको रुको रुको, आंख! Oh my God! आंख! अमित, एक्सीडेंट हुआ है। Oh my God! अमित, आंख! अमित, अमित, अमित अंदर डेड बॉडी है। सर, आज इस तरह से ये परेड? नहीं सर, पहले कभी ऐसा किया नहीं था ना, इसके लिए मैं पूछ रहा था सर। मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था? नहीं सर, मगर वो फ्रेडरिक्स, तुम चुप बैठोगे तभी पता चलेगा ना कि एसीपी साहब ने हमें ऐसा क्यों खड़ा किया। हा? बिल्कुल ठीक कहा दया। दया, हमारे सीआईडी टीम के एक ऑफिसर की कंप्लेंट आई है मेरे पास। कंप्लेन सीआईडी टीम के बारे में? हाँ, सीआईडी टीम के मेंबर की। और सीआईडी टीम का मेंबर बनना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तभी वो इस सीआईडी टीम का मेंबर बन सकता है। लेकिन आज हमारे टीम में एक ऐसा ऑफिसर है जिसमें वो बात नहीं है जो इस टीम के ऑफिसर में होनी चाहिए, समझे? और इसीलिए आज मैं तुम सबको एक टेस्ट देने वाला हूं, एक स्पेशल टेस्ट। और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, समझे? डोंट वरी सर, हम कोई भी टेस्ट आसानी से पास करके दिखा देंगे सर। लेकिन सर, ये तो बताइए कि ये टेस्ट है क्या? ये टेस्ट हाथ और दिमाग के कोऑर्डिनेशन का है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ और दिमाग एक साथ कितने तेज चल सकता है, माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, समझे? टेस्ट में हमेशा मेरी गड़बड़ होती है। अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे नहीं, फिर सर बोलेंगे मैंने चीटिंग की है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स, क्या कहा तुमने? हाँ? नहीं सर, कुछ नहीं। तो अब देखो, मैं दिखाता हूं तुमको क्या टेस्ट है। ये तुम्हारे हाथ हैं, इन हाथों को अपने घुटनों पर रखो और फिर अपने घुटनों को पास ले आओ और उसी पोजीशन में इन हाथों को क्रॉस करो और फिर पहले पोजीशन पे आ जाओ। ये तुम्हें फास्ट करना है और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितने तेज कर सकता है, समझे? चलो लेट्स गो। वेरी गुड दया, वेरी गुड। विवेक, ये कोई डांस की स्टेप नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक से करो। कम ऑन फ्रेडरिक्स। हाँ मुस्कान, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, फास्ट फास्ट। फ्रेडरिक्स, अरे फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? चलो उठो। सत्यानाश, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मेरी हेल्प ले लो। फ्रेडरिक्स, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे? लेकिन सर, जो भी इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके सर, मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तुम्हें हम सबको अलाइजा डिस्को में ले जाना पड़ेगा। जरा देखता हूं क्या बात है। Like
सर 5 दिन हो गए, मंडे से मोबाइल फोन भी बंद है। आपको पता है अभिजीत कहाँ गया? नहीं था सर, अब नहीं मालूम। मतलब सर कोई आने वाला है क्या? नहीं कोई नहीं आने वाले। क्या हुआ, क्या कहा सर ने? पता नहीं बात को टाल रहे हैं। पर सर अभिजीत सर है कहाँ? मालूम नहीं। Come on, sweetheart. जो एक बार लकी का दोस्त बन गया वो फिर कोई टेंशन नहीं लेता। देखो स्वीटहार्ट, मैं जानता हूं कि मेरे दोस्तों को क्या चाहिए, पर मेरे दोस्तों को भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। Don't you think so? Yeah, that's like a good girl. There you go. Bye bye. अभिजीत ठीक ही बोल रहा था, इधर डिस्को में कुछ और ही मस्ती चल रही है। लेकिन अभी तक अभिजीत का फोन क्यों नहीं आया? हेलो, एजीबी प्रजुमनिया, आगे बोलो। क्या क्या हुआ सर, क्या बात? सर हाँ सर, अभिजीत क्या क्या हुआ अभिजीत को? बोलिए सर। अभिजीत की मौत हो गई था। क्या क्या सर, मतलब क्या बात कर रहे सर आप? पुलिस को अभिजीत की गाड़ी मिल गई थी। गाड़ी में एक आदमी था और दोनों भी बुरी तरह से जल चुके हैं। पुलिस को लगता है कि वो अभिजीत है। देखो देखो इस पर ए लिखा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, इसमें कुछ गड़बड़ है सर। काश ये सच होता, मगर कार्ड तो अभिजीत का ही है ना। पांच फुट दस इंच अभिजीत की हाइट। दुनिया में 5 फुट 10 इंच के हजारों लोग हैं सर, 8-10 के नाम में अभी बता सकता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि ये बॉडी अभिजीत सर की है। फ्रेडरिक्स, हम भी तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभिजीत कोई अंगूठी पहनता था क्या? हाँ, तीसरी उंगली में, राइट राइट हैंड। कई सारे लोग तीसरी उंगली में अंगूठी पहनते, मैं भी पहनता हूं। ये देखिए सर, ये देखिए। फ्रेडरिक्स, इस अंगूठी को जरा ध्यान से देखो। अभिजीत की अंगूठी में कुछ खास बात थी क्या, कुछ नार क्या कुछ? उसके अंगूठी के अंदर की तरफ उसका बर्थ डेट लिखा हुआ था, 23 अक्टूबर। हाँ
23 अक्टूबर। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिजीत सर ऐसे रोड एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। फ्रेडरिक्स, रोड एक्सीडेंट्स में कोई भी मर सकता है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। लेकिन हम सब इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं? अभिजीत सर का सेल अनअवेलेबल है और घर का फोन कोई उठा नहीं रहा। ये भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई हो, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। अभिजीत घर पे भी नहीं है, मैं वहीं से चेक कर रहा हूँ। सर, कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है सर। अभिजीत सर जिंदा है, वो मर नहीं सकते, वो मर नहीं सकते। फ्रेडरिक्स, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। सर, पर अभिजीत सर ऐसे चुपके से गायब कैसे हो गए? मुझे लगा अभिजीत छुट्टी पे है, मगर वो एक केस पे काम कर रहा था। एसीपी साहब को इसके बारे में सब मालूम था, मगर उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। मैं यही सोच रहा हूँ कि एसीपी साहब ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो शायद अभिजीत। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ? मैंने जानबूझकर अभिजीत की जान खतरे में डाली? नहीं सर, हमारा तो काम ही ऐसा है सर, मौत से खेलते रहना। लेकिन सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी। क्या? आपने हम लोगों को इस केस से दूर क्यों रखा सर? ये एक बहुत नाजुक मामला था और सिर्फ एक ही ऑफिसर इस केस को हैंडल कर सकता था, और ऊपर से मुझे ऑर्डर्स दी थी, इसलिए मैंने अभिजीत को ये केस हैंडल करने के लिए कहा। पर सर, ऐसा कौन सा केस है? आप अभी तो बता सकते हैं हमें। एक फेमस एक्ट्रेस अवंतिका का 5 दिन पहले खून हुआ था, और किसी वजह से हमें ये बात छुपा के रखनी थी। आज पता स्कूल में क्या हुआ था? रोहन है ना, रोहन, उससे ना मैं डोसे वाल की थी और मेरे को रोना आ गया। इतनी रात को कौन आया होगा? मानिया बेटा, बी ए गुड गर्ल। देखो, तुम अंदर जाके लेट जाओ, मम्मा थोड़ी देर में आके तुम्हें सुला देगी। ठीक है बेबी, जाओ। गुड बच्चा, वेरी गुड, जाओ। भूल गई तू? मेरी बिल्ली और मुझसे मियाओ। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या समझती है तू? क्या समझती है? मम्मी, क्या हुआ मम्मी को? किसने मम्मी को मारा? कौन मार रहा है? अवंतिका मैडम। अवंतिका मैडम, मैडम हो गया। मम्मी मेरे को छोड़ के चले गए। नहीं बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जाओ, है ना? चुप हो जाओ, सर। ये मर्डर, ये कैसे हो गया? यही पता लगाना है अभिजीत की, ये सब हुआ कैसे। अभिजीत, मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम हैंडल करो। ओके सर। सर, आपने इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं था, मैं अभी फोन करके बाकी टीम को बुला लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम, ये केस सिर्फ तुम हैंडल करोगे। ओके सर, टेक केयर। मैं चलता हूँ।
हेलो बेटे, हेलो बेटे, देखो बेटा मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बेटा कोई फायदा नहीं है साहब, ये बहुत डरी हुई है इसलिए किसी से कोई बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं इसे बाद में पूछ लूँगा। तुम ये बताओ, जब ये सब हुआ तो उसके ठीक पहले बिल्डिंग में आने वाला आखिरी आदमी कौन था? सर, जब मान्या बेबी मेरे पास आई उसके करीबन 10-15 मिनट पहले एक आदमी आया था। वो जैकेट पहने हुए था और उसके आगे के बाल गोल्डन कलर के थे, आजकल फैशन है ना सोने जैसा। गोल्डन स्ट्रीक्स? तुमने अच्छी तरह से देखा था ना उस आदमी को? हाँ सर, मेरी एक आंख है लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से देखता हूँ सर। कब से हुआ ये देखें जरा। ओके ओके, अगर उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर बिल्कुल। गुड। आज सुबह अभिजीत का मुझे फोन था कि वो खूनी को पकड़ने ही वाला है, और उसने ये भी कहा कि उस खून का डिस्को से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और इसीलिए मैं तुम लोगों को वहां अलाइजा डिस्को में लेके गया। लेकिन अभिजीत वहां नहीं आया, उसकी बॉडी यहां आ गई। सर, इसलिए आप उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे? वो जो जिसके बालों में गोल्डन स्ट्रीक्स थे, बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास चक्कर काट रही थी सर। कहीं अभिजीत ने आपको उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं? सर अगर ऐसा है तो उसे अभी पकड़ के लाते हैं सर। हाँ सर, उस वॉचमैन को भी यहाँ लेकर आते ब्यूरो में, और अगर उस वॉचमैन ने उसे पहचान लिया तो अवंतिका के खूनी को मुंह खोलना ही पड़ेगा कि अभिजीत की मौत हुई कैसे। ठीक है, जाओ और उस वॉचमैन को यहाँ लेके आओ। अभिजीत को यहाँ इस घर में उस खूनी के बारे में जरूर कोई सबूत मिला होगा, तभी वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। यस सर। शायद हमें भी यहाँ वैसा कोई सबूत मिलना चाहिए जिससे हम उस खूनी तक पहुँच सकें जिसने अभिजीत को मारा है। सर, सर वॉचमैन गायब है, वो मर्डर वाले दिन से ही नहीं आया। क्या, वॉचमैन गायब है? शायद मर्डर में उसका भी हाथ होगा। सर, सर ये अरविंद अवंतिका के हस्बैंड। जी एक्चुअली मैं और अवंतिका तो अलग हो चुके थे, वो यहाँ रहती है और मैं अमेरिका में। मैं तो यहाँ सिर्फ मान्या को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले। अच्छा देखो, हम लोग सब यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तब जो ढूंढ रही है ना वो बाद में ढूंढना, ठीक है? अभी आप किसी भी चीज को छूना मत, ओके? वो ले गया। क्या ले गया? वो अभी चरक से वापस नहीं लेके आया। क्या, कौन लेके गया? अभी अंकल ने ना मेरा टॉय चुरा के ले गया। अभी अंकल मतलब अभिजीत अंकल? कौन सा टॉय? मेरा रोलू। रोलू? ये रोलू क्या है? मेरा टॉय, मेरा पैरेट। अभिजीत एक बच्चे का खिलौना क्यों चुराएगा? तोता? सर, आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले अभिजीत सर के केस को देखना चाहिए? हम यहाँ पर इस क्लब में फिर से क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं मुस्कान। अभिजीत अवंतिका के मर्डर केस पे काम कर रहा था, और वो वॉचमैन जिसने अवंतिका के खूनी को देखा था वो गायब है, इसीलिए ये चांस लेना ही पड़ेगा। सर, वो गोल्डन स्ट्रीक्स वाला लड़का जिसे आपने कल देखा था यहाँ पर, आपको लगता है वो फिर से यहाँ पर आएगा? उसके स्टाइल से तो लगता है वही इस क्लब का मालिक है।
तो देखना वो जरूर, ये लो आ गया। मुझे लगता है कि तुम गलती से मेरी जगह पर बैठ गए। तुम्हारी जगह? यहां तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है? इस जगह पर ही नहीं, इस पूरे क्लब पे मेरा नाम लिखा है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो तुम इस क्लब के मालिक हो? नहीं, मेरा एक दोस्त इस क्लब का मालिक है। ना कमान मूव। तो एक काम करो, तुम अपने उस दोस्त को यहाँ बुलाओ, तब मैं सीट छोड़ूंगा। लड़की के साथ हो इसलिए शान दिखा रहे हो, मेरा मूड खराब मत करो। ना कमान मूव फ्रॉम हियर। तो मैंने सोचा ही नहीं था, मिल गया जो मुझे चाहिए था। लाश चली हुई सही, लेकिन फिर भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। मतलब तुम्हें कुछ मिला नहीं? एसीपी साहब, अगर मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें क्या है, तो आप खुशी से उछल जाएंगे। ऐसी बातें तो तुम्हारे मुंह से बहुत कम सुनाई पड़ती है। एसीपी साहब, कभी तो हंसा कीजिए। हमेशा चढ़ी हुई नाक लेकर के घूमने से क्या फायदा है? देखिए देखिए, जरा इसकी आंख में झांक करके देखिए, झांकिए। इसमें तो सिर्फ आंख की राख है, आंख है ही नहीं, पूरी तरह से जल चुकी है। ये वाली आंख, इसमें झांक कर देखो। हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि इस आदमी के सिर्फ एक ही आंख थी। क्या? हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन लेकिन अभिजीत नहीं हो सकता। Absolutely. अभिजीत नहीं हो सकता। यार सॉरी, तूने वाकई आज मुझे बहुत खुश कर दिया। अब हंसी आई ना मेरे दोस्त के चेहरे पर? That's the spirit. लेकिन सर उनके, अगर ये अभिजीत नहीं है तो फिर अभिजीत है कहाँ? बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कोशिश बेकार है, क्योंकि ये रस्सी बहुत मजबूत है। कौन है? वो कौन तुम? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं यहां क्या करने आई हूं। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी और तुम मुझे उसका शराफत से जवाब दोगे। मालूम है ना कौन हूं मैं? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हाथ हाथ खोल, मेरे हाथ पहले हाथ खोलो, ताकि तुम मेरी गर्दन दबा दो। बकवास मत करो, समझे? बकवास पान। लकी को डिस्को से क्यों अरेस्ट किया? लकी? ओ, क्योंकि क्योंकि वो अनलकी था। मुझे इतना मालूम है कि
आसमान नीला होता है, लेकिन जून में बादल आएंगे और फिर बारिश होगी और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। एक सीआईडी ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है तुमको है? अब जब तुमने मरने का सोच ही लिया है तो लो मरो। अब आएगा वो एसीपी तुम्हारी लाश पे सल्यूट मारने के लिए। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरा साथी अभिजीत मर चुका है। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि उसके मौत के पीछे तुम्हारा भी हाथ है या नहीं? बस! नहीं सर, मैं नहीं। एक शब्द छूट का निकला तेरे मुंह से तो मैं तेरी गर्दन रस्सी की तरह मार दूंगा, समझा? अगर मेरा शक सही निकला तो तू सोच भी नहीं सकता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, समझा? वहां डिस्को में जाता है ना तू हमेशा? कभी कभी। तेरे आसपास 6 लड़कियां घूम रही थी, क्यों? अब मैं क्या बोल सकता हूं सर, लड़कियां मुझे देखकर क्रेजी हो जाती हैं, अब अपने आप को रोक ही नहीं पाती। तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा ना तो ये लड़कियां पागल हो जाएंगी तेरे पीछे। हाथ तोड़ देंगे? हाँ। क्यों सर? जिन हाथों से तू वो पैकेट बेचता है। पैकेट? वो पैकेट वो कुछ नहीं है सर, वो तो मेरी फैमिली का एक सीक्रेट फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तेरी फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला? मर जाएगा। सीक्रेट फॉर्मूला? व्हाट? सीधे खड़े रहे, देखो तेरा फॉर्मूला। ये रहा तेरा फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तेरा, ये बहुत पुराना रेसिपी है तेरा। कुछ बताया इसने? नहीं सर, मगर इसके पास ड्रग्स मिली है सर, और मुझे पूरा यकीन है सर कि अभिजीत के मौत में इसका भी हाथ जरूर है। नहीं दया, अभिजीत के खून से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब सर? अभिजीत अभी भी जिंदा है। क्या? हाँ, अभिजीत अभी भी जिंदा है। जो डेड बॉडी हमें ब्रिज के पास मिली थी वो अभिजीत की नहीं है, मतलब वो बॉडी उस वॉचमैन की है। याद है अवंतिका के बिल्डिंग का वॉचमैन? उसकी है ये। हाँ सर, और वो एक ही आदमी था जिसने अवंतिका के खूनी का चेहरा देखा था, और उस वॉचमैन के बॉडी को अभिजीत बना के जला दिया इन लोगों ने। और सर, ये जो आदमी बाहर बैठा है ये भी इसमें मिला हुआ लगता है। लेकिन सर, ये तो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सर, ये थोड़ी देर मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ बोलेगा सर। लेकिन सर, सबसे जरूरी बात ये है कि अगर वो बॉडी अभिजीत सर की नहीं है तो फिर इस वक्त अभिजीत सर है कहाँ? इसका जवाब वहीं पर मिलेगा जहां पर हमें अभिजीत की नकली लाश मिली थी। चलकर देखते हैं वो गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे। सर, सर ये देखिए, यहां तक सारी झाड़ियां और पेड़ दबे हुए हैं सर, ये देखिए। इसका मतलब है अभिजीत की कार यहां से फिसलते हुए नीचे गई है सर। इस अवंतिका के खूनी ने सारी प्लानिंग की थी। सर, अभिजीत की कार इतनी जोर से टकराई है, इसका मतलब है किसी ने ब्रेक्स पहले से खराब कर दिया होगा या फिर किसी दूसरे तरीके से एक्सीडेंट कराया होगा। अभिजीत को इस केस के बारे में जरूर कुछ ऐसी बात मालूम पड़ी होगी जिसकी वजह से खूनी ने इतना बड़ा खतरा उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश की। तो फिर सर, खूनी सच में अभिजीत की जान भी ले सकता है, हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा सर। हाँ सर, ये देखिए, सर ये देखिए, टायर का कितना गहरा निशान है सर। साढ़े 7 इंच सर, ये अभिजीत के कार का निशान है। आगे देखते हैं सर, ये
सर ये निशान 9 इंच, 9 इंच का टायर मतलब सर कोई भारी गाड़ी होगी सर, कोई सामान उठाने वाली गाड़ी। हाँ ये गाड़ी अभिजीत के कार का पीछा कर रही थी सर। ये देखिए इस भारी गाड़ी के टायर के निशान यहाँ सड़क के किनारे आके ख़त्म हो जाती है सर, और उसके बाद अभिजीत की कार यहाँ से घसीटते हुए वहाँ नीचे गई है। इसका मतलब है दया, खूनी ने अभिजीत की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और एक्सीडेंट कराया है, और उसके बाद अभिजीत को कार से बाहर निकाला, वॉचमैन की बॉडी को डाला और कार को जला के निकल गया। और एक बात देखी तुमने दया, दोनों गाड़ियां वहां से आ रही थी पुणे से, इसका मतलब है अभिजीत पुणे गया था। तो फिर सर खूनी की चाबी भी पुणे में मिलेगी। सर अभिजीत पुणे में कहां कहां गया ये पता करना चाहिए सर। हाँ एक आदमी है जो बता सकता है। अच्छा मैंने तुम्हें अभिजीत के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। बस क्या सर इतना भरोसा नहीं किया, आज तक अभी फेल हुआ क्या मैं? वो पुणे में पार्टी में गया था। कैसी पार्टी? रेव पार्टी, एकदम स्पेशल एकदम फेमस। एवरी सैटरडे जो मांगता है वो ड्रग मिलेगा आपको। ड्रग्स की पार्टी में अभी अभिजीत का क्या काम? ये कहाँ थी पार्टी? वाह सर क्या जगह है, लगता है किसी फिल्म के सेट पे आ गए हैं। हाँ सर एक तो आदमी है सर, इसे जरूर पता होगा उसका पता सर। ओए ओए जरा देख के चल, सही सलामत घर पे पहुंचने का इरादा नहीं है क्या? हाँ सॉरी साहब। ठीक है यहाँ ऐसी वैसी पार्टी नहीं, ड्रग्स की पार्टी होती है। अमीर माँ बाप के बच्चे यहाँ नशा करने आते हैं, लेकिन अब हम आ गए। वाह बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। नहीं धंधा बहुत खराब चल रहा है और इसीलिए हम इसे बंद कर रहे हैं। अच्छा तुमने बोला और मैं बंद कर दूंगा, कौन हो तुम लोग? CID, और हम लोग तुम्हारी ये दुकान हमेशा के लिए बंद कराने आए हैं। अब तुम और बच्चों को नशे की आदत डालकर बिगाड़ोगे नहीं, समझे? बिगाड़ूंगा मैं किसी को क्यों बिगाड़ूंगा, आप क्या बोल रहे हैं साहब? लास्ट सैटरडे यहाँ पर एक पार्टी हुई थी, रेव पार्टी, जिसमें ड्रग्स खुलेआम बिक रही थी। नहीं नहीं साहब आपको जरूर कुछ गलती हुई है, यहाँ पर तो पार्टी होती है, यंग बच्चा लोग आते हैं डांस मस्ती करने के लिए और चले जाते हैं, ड्रग्स के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। किसने दी थी ये पार्टी? इतने लोग आते हैं साहब, इतनी पार्टीज होती हैं, अब मैं क्या क्या याद रखूंगा साहब। अच्छा लकी लकी ने पार्टी दी थी साहब, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं साहब। लकी का एड्रेस बोल। 104 गार्डन पैलेस जू मुंबई। क्या बात है, जमीन से ऊपर उठते ही सच कितनी आसानी से बाहर निकलने लगा है ना? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे क्या? तुम्हें अपनी मौत से भी डर नहीं लगता? एक CID ऑफिसर होके मौत से डर है? और वो भी एक खूबसूरत लड़की के हाथों से। उस दिन तुम लकी की वजह से बच गए, लेकिन आज तुम नहीं बच पाओगे। प्लीज छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। CID ऑफिसर होने का यही एक नुकसान है कि तुम नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अगर मैं CID छोड़ दूं तो? देखो ना ये मेरे लोग तो मुझे बचा ही नहीं सके, मैं क्या करूं? मैं CID छोड़ दूं। हाँ CID वहां पहुंचने वाली है, निकलो वहां से। ये अभिजीत की जान का सवाल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एवरीबॉडी बी अलर्ट। लस्सी? इस
इसका मतलब है उन लोगों ने शायद अभिजीत को यहां बांध के रखा हुआ था। ओह माय गॉड, ये देखिए इंपोर्टेड कपड़े। गुड, ये ऐसे कपड़े हमने किसके पास देखे थे? लकी, उसे ऐसे भड़कीले कपड़े पहनने का बहुत शौक है, कहीं ये लकी भी उसमें मिलावा तो नहीं है? मगर लकी तो ब्यूरो में। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ लकी के अलावा कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। सर, लकी ब्यूरो में बंद है, ये बात इसके साथी अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ आने से पहले वो भाग गए। तो अब लकी का मुंह खुलवा के कोई फायदा नहीं है। सर, अब हम लोग अभिजीत सर को ढूंढने की का। और सर, वो जिन लोगों ने अभिजीत सर को मारा है, एक जगह है, शायद वो लोग जल्दी में वहीं गए होंगे। छोड़ दो इसे, ये तुम लोग जाकर इस जगह की सफाई करो। यहाँ पे कोई भी सबूत, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। जल्दी करो, सीआईडी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। चलो। मैं इसे क्या करना है? छोड़ दो इसे यहीं पर, वैसे भी मरने वाला है, दो मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा। चलो जल्दी। इन बैग्स को किचन में ले जाकर ग्रिल पर जला दो और बाउंसर से कहो कि बाहर मेन गेट पर नजर रखे ताकि हमारे जाने तक वो सीआईडी को रोक सके। जल्दी जाओ। आप लोगों का खेल खत्म हो गया, अब हमारा खेल शुरू। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, चुपचाप खड़े हो जाओ उधर ही। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो। अपनी गन फेंक दो, गन फेंक दो। तुम लोगों के पास इतनी सारी गन है, अगर ये गन ले सकते हो तो ले लो। नहीं। अगर एक भी गोली चली ऐसी पे, तो यहाँ इतने सारे मासूम लोग हैं, उनकी जान चली जाएगी। तो सोच लो, गन कौन फेंकेगा? देखो, फ्रेडरिक्स, अपनी गन नीचे रखो। गुड, मैंने सुना था कि सीआईडी बहुत समझदार होते हैं। इंटरेस्टिंग, अब जरा लकी को भी यहाँ भेज दो। विवेक, थैंक यू एसीपी साहब, थैंक्स अ लॉट, वेल डन स्वीट हार्ट। और हाँ, आप सब लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि आप सब खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। अब जब आप सब लोग मरने ही वाले, तो क्यों ना मैं सच्चाई बताकर आप सबकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं? एसीपी साहब ने मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दी थी, इसलिए तेरी चोचित। ऐसे मौके पर बदतमीजी नहीं करते ऑफिसर, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो अवंतिका का किया था, समझे? अवंतिका को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा एसीपी साहब, यू नो वो मेरे लिए ड्रग्स बेचा करती थी, कस्टमर लाती थी मेरे लिए, लेकिन उसके बाद उसने मुझे धोखा दिया, लकी को धोखा दिया, वो खुद ही ड्रग्स बेचने लगी। क्या करता मैं, मारना पड़ा। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत, 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 तुम ठीक तो? इसे गोली लगी है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अभिजीत, इन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? हाँ, कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला था? तोता, तोता, तोता,
इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। संभल के, संभल के। मानिया के इस तोते ने इस केस के सबसे जरूरी सुराग रिकॉर्ड कर लिया है। खूनी का नाम Thank you.